आपको पता है देश का सबसे महंगा चुनाव कौन सा है? सरपंच का। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा चुनाव है, लेकिन यहाँ सरपंच का चुनाव लड़ने का खर्च आता है 2-2 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कि यह पैसा कहाँ से आ रहा है और यह पैसा कहाँ जा रहा है। कहा तो जाता है कि केंद्र से सीधे गाँव में पैसा आएगा जनता के विकास के लिए, लेकिन जब 2-2 करोड़ रुपये खर्च कर सरपंच चुनाव लड़ेंगे तो वे पैसे जनता में खर्च करेंगे या खुद जो कर्ज लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उस खर्च की भरपाई करेंगे। दरअसल यह सब हो रहा है नेताओं की वजह से। जो MLA हैं, मंत्री हैं, वो इलाके में बैठकर सरपंच का चुनाव लड़ाते हैं। कहने को तो राजनीतिक पार्टियों के टिकट पे चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो इलाके का विधायक होता है या मंत्री होता है, नेता होता है, ये सरपंच का चुनाव लड़ाता है, क्योंकि नेताओं को यहीं से पैसा और पावर दोनों आता है। चुनाव में जब भीड़ इकट्ठी करनी होती है या पैसे की ज़रूरत होती है तो सरपंच इकट्ठा करता है। यही वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, अभी राजस्थान में कहने को तो पार्टियों के टिकट पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेता अपनी जोर आजमाइश पूरी कर रहे हैं। गहलोत गुट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच जिताया जाए। इसके लिए सारे मंत्री और विधायकों को लगा दिया गया है। अपने विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी छूट दे रखी है कि एक एक इलाके में घूम घूम कर अपना सरपंच जिताना है। हालांकि इस बात की जानकारी जब से सचिन पायलट को लगी है वो भी असक्रिय हो गए हैं और बिना सामने आए अपने इलाके में अपने लोगों को जिताने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल को अगर ये अपने उस इलाके में जाते हैं तो भीड़ यही लेकर आते हैं, गाड़ियां यही लेकर आते हैं। कमोबेश यही हालात BJP में भी है। वसुंधरा राजे ने अपने तमाम लोगों से कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और सारे जो नेता आजकल जो आपको भूमिगत दिख रहे हैं वो दरअसल सरपंच चुनाव लड़ाने में लगे हुए हैं। इसी तरह सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौर हैं या गजेंद्र सिंह हैं, ओम बिरला हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अपने इलाके में सरपंच चुनाव में लगे हुए हैं। यानी नेताओं की इतनी ज़्यादा घुसपैठ होती है इस चुनाव में कि ये चुनाव इतना खर्चीला हो जाता है। और ये यही वजह है कि आपस में इस समय काफ़ी ज़्यादा सिर फुटोवल चल रही है कि किसी तरह से अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जिता के लाएँ, एक दूसरे के इलाके में सेंधमारी करें ताकि वहाँ उस में जो पैठ है उसकी उसे कमज़ोर की जा सके। दूसरी तरफ जहां पंचायत समिति के चुनाव होने हैं पार्टियों के टिकट पे या नगर निगम नगर पालिका के चुनाव होने हैं, वहां सरकार चाहती है मार्च 2021 तक ये चुनाव चला जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो झगड़ा शुरू हुआ था इसीलिए कि इन चुनावों में टिकट कौन बांटेगा, क्योंकि यहाँ भी जो जीतेंगे वही जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और अशोक गहलोत चाहते हैं कि ये चुनाव टलता जाए ताकि राजनीतिक नियुक्तियाँ और जो मंत्रिमंडल में बदल करना है उसे भी टाला जाए। अब बहाना कोरोना का है। अब कोरोना काल में कांग्रेस ने कौन सा ऐसा धरना प्रदर्शन छोड़ दिया है जो वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? अब नए कृषि बिल पर तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक रूटीन ही जारी कर दिया पूरे महीने का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद पैदल मार्च करके सड़क पर निकलना है। अब ये धारा 144 उन्होंने लगा दी है, अनलॉक 4 को मॉडिफाई कर दिया है, एक साथ कहीं भी 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, मगर इनकी राजनीति चलनी चाहिए। राजनीति चलने के लिए इन्होंने एक पूरा एक महीने का कार्यक्रम बनाया है किस तरह से सड़क पर हम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी एक तरफ तो जनता को ये समझा रहे हैं कि आप सड़क पर ना निकलिए, जो मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं या फिर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उनको मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये अपने चुनावी रोटियां सेकने के लिए जनता का के जो जान है वो जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ऐसी भ्रम की स्थिति है, एक तरफ राजनीति भी करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर चुनाव ना करा के राजनीति करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ सरपंच चुनाव के बहाने पैसे बहाकर लोगों को इकट्ठा कर अपने लोगों को जिताकर राजनीति कर रहे हैं। तो कोरोना काल में राजनीति अपने चरम पर है ऐसा कहा जा रहा है, लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, मगर कितना ख्याल रखा जा रहा है ये जनता देख रही है। जयपुर में 2 दिन पहले ही एक परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड किया। अब कहा जा रहा है कि आमेर में महावत ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि 4 हाथी पहले मर चुके हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, भुखमरी का सवाल है, धंधा छूटा जा रहा है। ऐसे में नेताओं की राजनीति नहीं छूट रही है।
राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।